गुरु विक्स में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम एनसीईआरटी का एग्जांपल 11 करें। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय एफएक्स इज इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड पार्ट बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो हमें इस फंक्शन एफएक्स का इंटरवल निकालना है जिस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा और दूसरा इंटरवल जिस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। तो हमने पहले की वीडियोस में देखा था कि कोई भी फंक्शन एफएक्स इंक्रीजिंग किस इंटरवल में होता है, जिस इंटरवल में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो हो उस इंटरवल में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। जिस भी इंटरवल में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है उस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, और जिस इंटरवल में एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होता है उस इंटरवल में ये फंक्शन एफ एक्स क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। तो आइए सेम कंसेप्ट यहां भी लगाएं। तो सबसे पहले जो फंक्शन हमें दिया गया है उस फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करें। हमारे पास फंक्शन क्या है, हमारे पास जो फंक्शन है वो है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30। दैट मीन्स 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30। तो सबसे पहले इस फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करें। तो जब हम इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो fx का डिफ्रेंशिएशन f डैश एक्स इज इक्वल्स टू 4x क्यूब, 4 कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, और एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3x स्क्वायर माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x माइनस 72x का डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस 30 क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0। तो f डैश x क्या हो गया, f डैश x इज इक्वल्स टू 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72। हमने f डैश x की वैल्यू निकाल ली। अगर हम इसमें से 12 कॉमन ले लें तो 12 इन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 12, इसे फैक्टराइज करिए तो आपको मिलेगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। तो हमें f डैश x की वैल्यू मिल गई। f डैश x क्या है, 12 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। हमें क्या ऑब्जर्व करना है, हमें ये ऑब्जर्व करना है कि f डैश x किस इंटरवल में 0 से बड़ा हो रहा है और f डैश x किस इंटरवल में 0 से छोटा हो रहा है। हमें दो चीजें ऑब्जर्व करनी है। तो सबसे पहले आइए एक नंबर लाइन बना लें और वो पॉइंट्स हम यहां पे प्लॉट कर लें जहां पे f डैश x की वैल्यू 0 हो जाए। दैट मीन्स जब x की वैल्यू 3 है तो f डैश x की वैल्यू क्या होगी, 0। तो 3 और माइनस 2 ये हमने नंबर लाइन पे ये दो पॉइंट्स प्लॉट कर लिए। हमें अब वो इंटरवल खोजना है जिसमें f डैश x पॉजिटिव हो पहले केस में इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। तो आइए पार्ट ए में देखें।
फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन f dash x should be greater than 0. तो दो केस हैं, दो केस में f dash x की वैल्यू 0 से बड़ी हो सकती है। जब x minus 3 का जो आउटकम है, that means ये वाली टर्म पॉजिटिव हो और ये टर्म भी पॉजिटिव हो। जब दोनों टर्म पॉजिटिव होंगे तो f dash x क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव टर्म का मतलब ये ग्रेटर देन 0 होगा। सिमिलरली अगर ये दोनों टर्म निगेटिव हो तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, उस केस में भी f dash x की वैल्यू कुछ पॉजिटिव मिलेगी और f dash x 0 से बड़ा होगा। तो हमारे पास दो केस हैं, और किन दोनों केसेस में पहले ये पॉजिटिव होगा? जब x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी तो ये टर्म क्या होगा, पॉजिटिव, और ये टर्म भी पॉजिटिव होगा। दोनों टर्म पॉजिटिव होंगे और f dash x की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। तो सबसे पहला इंटरवल जो मिलेगा हमें वो मिलेगा 3, इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल 3, इन्फिनिटी। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि x की वैल्यू -2 से छोटी हो। अगर x की वैल्यू -2 से छोटी होगी तो ये टर्म निगेटिव होगा और ये टर्म भी निगेटिव होगा। तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, दैट मीन्स 3, इन्फिनिटी यूनियन -इन्फिनिटी, -2। ये वो इंटरवल है जिस केस में f इंक्रीजिंग फंक्शन है। दूसरा केस फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, इसके लिए क्या होगा, f dash x की वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए। और किस इंटरवल में f dash x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, आप -2 से 3 के इंटरवल में चेक कीजिए। तो आप देखिए, जब भी x की वैल्यू -2 से बड़ी होगी और 3 से छोटी होगी तो ये टर्म क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि 3 से छोटी वैल्यू के लिए ये टर्म तो निगेटिव होगा। और ये टर्म क्या होगा, अगर वैल्यू -2 से 3 के बीच में है तो ये टर्म क्या होगा, पॉजिटिव। तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव दैट विल गिव यू निगेटिव, दैट मीन्स f dash x इस केस में क्या होगा, 0 से छोटा होगा। तो -2, 3 ये इंटरवल है जिस इंटरवल में f डिक्रीजिंग फंक्शन है और f dash x 0 से छोटा है। एक और बहुत ही सिंपल सा रूल है, अगर आपको ये पता करना है कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है और कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग है, तो सबसे पहले उस पॉलिनोमियल फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए, और डिफरेंशिएट करने के बाद इस फॉर्म में लिखिए। इस फॉर्म से वो पॉइंट्स निकालिए जहां पर f dash x की वैल्यू 0 हो जाए। तो इस केस में x is equals to 3 और x is equals to -2 दो पॉइंट्स मिले। ये रियल लाइन को 3 पार्ट में बांट रहे हैं, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। सबसे पहले आप प्लस से शुरू कीजिए, प्लस, माइनस और प्लस। जिस भी इंटरवल में ये प्लस साइन आ रहे हैं उस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और जिस इंटरवल में ये माइनस साइन आ रहा है उस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो ये प्लस साइंस किस किस इंटरवल में आ रहे हैं, माइनस इंफिनिटी से -2 तक और 3 से इंफिनिटी तक। दैट मीन्स एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल -∞, -2 यूनियन 3, इंफिनिटी।
और fx डिक्रीजिंग कब होगा? इन द इंटरवल -2, 3, क्योंकि इस इंटरवल में आप देख सकते हैं ये साइन क्या है, नेगेटिव है, तो इस इंटरवल में f डिक्रीजिंग फंक्शन होगा और इन दोनों इंटरवल में f इंक्रीजिंग फंक्शन होगा।